Hello, aspirants. Good morning and welcome back to the 247. My name is Sonu and this is our daily current affairs show, जिसमें हम cover करते हैं काफ़ी important questions जो रहते हैं हमारे previous news से related. Okay? So ऐसे ही आज के session में भी मैं आपके लिए काफ़ी ज़रूरी questions लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले examination के लिए काफ़ी important हैं. So आपको यहाँ पर क्या करना है, हर एक question का यहाँ पर answer करना है, खुद को चेक करना है, खुद की परफॉर्मेंस को चेक करना है कि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही आंसर कर पाते हैं. टेक इट एज अ टेस्ट. आप डेली जो भी सारे दिन में आप अपने करंट अफेयर पढ़ते हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ते हों, लेकिन ये एक टेस्ट है आपके लिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए. सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में ये सेशन देखें. आप यहाँ पर जो लोग भी आ चुके हैं, इतना सुबह सुबह जो उठ कर आते हैं सेशन को देखने के लिए, वो यहाँ पर यस मैम लिख सकते हैं ताकि हम अपना आज का सेशन जो है उसको शुरू करें. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं हम एक कोट से. सो फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जिसमें आपको दिख ही रहा होगा, वन डे दीज 5 AMs विल मेक यू अ लीजेंड. जो भी लोग आज सुबह, यानी हर सुबह यहाँ पर जो 5 बजे उठकर आते हैं, डेली यहाँ पर करंट अफेयर क्लास को फॉलो करते हैं, वन डे दिस विल ऑल वर्क आउट. जो आपकी ये मेहनत है वो एक दिन, एक ना एक दिन आपके ज़रूर काम आने वाली है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, आपको 2% में से एक बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना. 5 AM वाले, यानी या तो आप एक वो पर्सन हो सकते हैं जो 5 AM पर सोने जाते हैं, या फिर आप वो पर्सन हो सकते हैं जो 5 AM पर उठते हैं. तो आपको दोनों में से कोई एक बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो. तो आई वॉज द वन जो 5 AM पर सोने जाते थे. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी हो सकते हैं. आप 5 AM पर अगर उठकर यहाँ पर सेशन देख रहे हैं तो आप इसमें से हो सकते हैं. डेफिनेटली जो आपकी ये मेहनत है वो एक ना एक दिन ज़रूर काम आएगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सेशन को शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. अगेन, जो भी लोग यहाँ पर सेशन को देख रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन देखें सेशन को यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री पास द फेक न्यूज़ लॉ टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़. आपको पता है काफ़ी आजकल क्या होता है, फेक न्यूज़ जो होते हैं वो स्प्रेड की जाती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, फेसबुक के थ्रू हो सकता है, या फिर ट्विटर के थ्रू हो सकता है. दैट मीन्स हमारे सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चलती हैं उसके लिए एक लॉ बनाया है. लेकिन कौन सी कंट्री ने, किस कंट्री ने इस लॉ को पास किया है फेक न्यूज़ को, ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमें पता होना चाहिए. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगापुर. सो अगर आपसे इन फ्यूचर पूछा जाता है कि फेक न्यूज से रिलेटेड लॉ जो है वो किस कंट्री ने पास किया है, तो आप क्या वहां पर आंसर करके आएंगे, वो आप आंसर करेंगे सिंगापुर. अब यहां पर आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कितना फाइन लगने वाला है अगर किसी ने फेक न्यूज जो उसको स्प्रेड किया, तो कितना फाइन लग सकता है. फर्स्ट जो फाइन है वो है 10 साल के लिए वहां पर जेल हो सकता है, या फिर वहां पर क्या हो सकता है, $1 million का फाइन लगेगा. देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है, $1 million का वहाँ पर फाइन लगेगा, या फिर उसको 10 साल के लिए जेल भी हो सकती है. यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कैपिटल और करेंसी जो है सिंगापुर का वो भी बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विच टेलीकॉम कंपनी विल कंबाइन विद ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया फॉर VSAT, दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ह्यूज कम्युनिकेशन के साथ कौन से टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर एक पार्टनरशिप करने वाली है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, क्या वो भारती एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस जियो है, या फिर BSNL है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज़ भारती एयरटेल. ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करके आएंगे, आप भारती एयरटेल आंसर करके आएंगे. अब यहाँ पर जो हमें पता होना चाहिए वो भारती एयरटेल से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए. अगर आपसे MD पूछे जाते हैं भारती एयरटेल के, तो आप क्या बता देंगे, गोपाल विट्टल इज द MD एंड CEO ऑफ व्हाट, भारती एयरटेल. ओके, बट अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एयरटेल, तो आप क्या बता देंगे, सुनील मित्तल. ओके, सो यहाँ पर सुनील मित्तल जो हैं वो क्या हैं, सुनील मित्तल इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एयरटेल, वेयर एज गोपाल विट्टल इज द MD एंड CEO ऑफ भारती एयरटेल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ प्रोटोकॉल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन चिली मील. इंडियन चिली मील जो है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से कोई चीज़ जो है वो कहाँ जा रही है, किसी दूसरी कंट्री में जा रही है. तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से उस कंट्री में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है. इंडिया का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी कंट्री के साथ साइन हुआ है, ये हमें आंसर करना है. सो विच वन इज द कंट्री हियर, नेपाल, श्रीलंका, चाइना और बांग्लादेश. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चाइना. ओके, सो यहाँ पर जो इंडिया का अग्रीमेंट हुआ है वो किसके साथ हुआ है, चाइना के साथ में यहाँ पर अग्रीमेंट हो गया है. अब चाइना जो है उसकी कैपिटल और करेंसी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए. देखो ये जो पूरा प्रोटोकॉल साइन हुआ, ये एक मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी. अगर आपसे मीटिंग का वेन्यू भी पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे, न्यू दिल्ली बता देंगे, जहाँ पर ये पूरा मीटिंग रहा था. उसमें हमारे यहाँ से किसने रिप्रेजेंट किया है, कॉमर्स सेक्रेटरी ने यहाँ से रिप्रेजेंट किया था. आपसे पूछा जा सकता है हु इज़ द कॉमर्स सेक्रेटरी. सो कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ पर कौन है हमारे, अनूप वाधवन जो हैं वो क्या हैं, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं. चाइना जो है उसकी कैपिटल क्या है, बीजिंग है. करेंसी क्या है वहाँ की, रेनमिनबी है. प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जी जिनपिंग है. सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक्स लॉन्ग टर्म रेटिंग हैज़ बीन डाउनग्रेडेड विद नेगेटिव आउटलुक. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किस बैंक की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो क्या हो गई है, डाउन आ गई है. किसकी वजह से, नेगेटिव आउटलुक की वजह से. सो यहाँ पर हमारे इनमें से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ए बी सी डी ऑप्शन में से. देखिए यहाँ पर क्या है, एक बैंक जो है यहाँ पर जिस बैंक की बात होने वाली है वो कौन सा बैंक है, वो है येस बैंक. यानी जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. येस बैंक की जो रेटिंग्स है वो क्या आ गई हैं, नीचे आ गई हैं. यानी येस बैंक पहले क्या था, 10th स्पॉट पर हुआ करता था मोस्ट वैल्यूबल बैंक के ऊपर. देखो हमारे आरबीआई ने एक लिस्ट निकाली हुई है, मोस्ट वैल्यूबल बैंक्स की लिस्ट है वो, उसमें क्या रखा हुआ है, येस बैंक जो था वो 7th स्पॉट पर था, जब अब क्या आ गया, वो 10th स्पॉट के ऊपर आ गया है. अगर आपसे मोस्ट वैल्यूबल बैंक पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, HDFC बैंक इज़ द मोस्ट वैल्यूबल बैंक. आप सबसे ज़्यादा वैल्यूबल बैंक पूछा जाएगा तो HDFC बता देंगे. यस बैंक जो है वो काफ़ी लोस पे चल रहा है, जिसकी वजह से जो उसकी रेटिंग्स थी वो क्या आ गई हैं, अब डाउन आ गई हैं. ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. अब देखिए हमारे लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो क्या जानना है कि यस बैंक जो है उसके MD CEO कौन है और यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है. आपको यहाँ से जो दो नाम याद रखने हैं वो है ब्रह्मदत्त जो क्या है, चेयरमैन है. एंड अगर आपसे MD एंड CEO पूछा जाएगा तो राणा कपूर नहीं है, अब कौन है, रवनीत गिल है. सो रवनीत गिल जो है वो MD एंड CEO हैं किसकी, यस बैंक की. जो चेयरमैन है वो ब्रह्मदत्त है. हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है. टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज. एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज इज द टैगलाइन ऑफ यस बैंक. आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी. यहाँ पर अगर समझ आती हैं तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं. तब तक हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड है. देखो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये बेस्ट सेशन चले, जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करें, स्टैटिक को भी साथ साथ कवर करते चलें. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर. काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए. ईजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है. सो दे आर टू थिंग्स, वन इज नेशनलाइजेशन, सेकेंड इज एस्टेब्लिशमेंट. अगर आपसे एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर कर देंगे यहाँ पर, 1st April 1935. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. आंसर ओके. सो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको 1st April 1935 जो है वो याद रख लेना है. वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा उसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ हुआ करता था, कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन फिर वो कहाँ पर हो गया, मुंबई में आ गया. अगेन पहले क्या होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो गवर्नमेंट एंटिटी नहीं था, उसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट एंटिटी कब बनाया गया, 1st January 1949. जो आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है वो क्या है, नेशनलाइजेशन का टाइम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको कौन से कमीशन के अंडर बनाया गया, देन यू विल टेल देम इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द
हिल्टन यंग कमीशन, ओके, या फिर जिसको क्या बोला जाता है, रॉयल कमीशन भी बोला जाता है, जिसके अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था। रेपो रेट जो है RBI डिसाइड करता है, हमारे पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करता है। इस टाइम पर जो हमारा रेपो रेट चल रहा है वो कितना है, 6% है। रिवर्स रेपो रेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 5.75% बता देंगे, जिससे 0.25% कम होता है, एंड बैंक रेट इज 6.25%। आपको ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें सारे कंटेंट से। सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक क्रेडिट ग्रू बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2018 and 2019। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बैंक का क्रेडिट होता है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2018-19 है उसमें। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट इज द अमाउंट दैट इज गिवन एज अ लोन, ठीक है, जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है। बैंक क्रेडिट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो लोन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अब इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब हम देख लेते हैं बैंक क्रेडिट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सो मोस्ट ऑफ द लोन्स वर गिवन टू सर्विसेज एंड रिटेल सेक्टर। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा बैंक रेट है, बैंक क्रेडिट है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 13.2% इंक्रीज हो गया है। अब बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन्स दिए जा रहे हैं। आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये जो लोन्स दिए जा रहे हैं ये किस सेक्टर को दिए जा रहे हैं, ओके। सो मोस्ट ऑफ द लोन्स वर गिवन टू द सर्विसेज एंड द रिटेल सेक्टर हियर। सो व्हाट इज बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल टू ए बिजनेस और इंडिविजुअल फ्रॉम ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी किसी बैंक से किसी बोरोवर को जो भी अमाउंट मिला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बैंक क्रेडिट बोलते हैं। अगेन बैंक क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर वे बैंक मेक्स अ लोन टू अ बोरोवर बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्थनेस, ठीक है। आपको पता, अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो अगर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर आपको कंप्लीट KYC होता है। वो देखते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं क्या आपकी इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस लोन का अमाउंट उनको वापस दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही वहां पर लोन प्रोवाइड किया जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर बैंक क्रेडिट इंक्रीज होता है तो। वन थिंग, बैंक क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पैसा बाहर जा रहा है लोन के रूप में। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आपसे अगर पूछा जाए डिपॉजिट जो है, व्हाट इज़ द ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट, अगर आपसे डिपॉजिट जो बैंक के पास पैसा आ रहा है, जो लोग बैंक के पास पैसा जमा करवा रहे हैं वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा देन यू विल टेल देम डिपॉजिट इंक्रीज बाय 10%, ओके। सो डिपॉजिट इंक्रीज होकर क्या हो गया, अब 10% हो गया है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर आपको बताना है विच फ्लाइट करियर ऑपरेटेड वर्ल्ड फर्स्ट जीरो वेस्ट फ्लाइट, किस फ्लाइट करियर ने वर्ल्ड की जीरो वेस्ट फ्लाइट ऑपरेट की है। इसके अलावा इससे पहले क्वेश्चन आ रहा था जिसमें क्या था, जीरो प्लास्टिक, यानी कोई भी उसमें प्लास्टिक नहीं था, वो फ्लाइट कौन थी, वो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ABCD ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना हमारा क्या करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज क्वांटस, ठीक है। सो क्वांटस जो है वो कहाँ की एयरवेज है, इट इज ऑस्ट्रेलियन एयरवेज। ये कहाँ की एयरवेज है, ऑस्ट्रेलिया की एयरवेज है, जिसका नाम क्या है, क्वांटस है, जो आपको यहाँ पर याद रख लेना है। उसमें क्या है, जीरो वेस्ट फ्लाइट थी ये। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो यहाँ पर जरूरी चीज़ें समझनी है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, कैनबरा है, और यहाँ पर जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। अब आपसे अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज स्कॉट मॉरिसन, ओके। सो स्कॉट मॉरिसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट, ऑस्ट्रेलिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया इन द डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी दैट इज वीजा। अब यहाँ पर हेड ऑफ मार्केटिंग किसको बनाया गया है, ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज सुजाता वी कुमार। सुजाता वी कुमार जो है उसको बनाया, उनको बनाया गया है क्या, हेड ऑफ मार्केटिंग इसके लिए। ये हमारे लिए एक अपॉइंटमेंट थी जो जरूरी थी, आपको पता होना चाहिए था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो वेयर इज द हेड क्वार्टर, यहाँ पर आपसे हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है,
of International Federation of Red Cross and Red Crescent Society located. यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है, जो हमारा रेड क्रॉस है उसकी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ रेड क्रॉस डे. अभी रेड क्रॉस डे गया है इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है. सो 8th मे इज सेलिब्रेटेड एज द रेड क्रॉस डे. इसीलिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि IFRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है. सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज जेनेवा. जेनेवा में हेडक्वार्टर है IFRC का. अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज ऑल्सो इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर भी है, WHO का हेडक्वार्टर भी है. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द थीम ऑफ रेड क्रॉस डे. सो द थीम वॉज वॉट, लव वॉज द थीम ऑफ रेड क्रॉस डे विच वॉज ऑब्जर्व ऑन 8th मे. अगेन वर्ल्ड थैलीसीमिया डे वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द 8th मे ईच ईयर. ये चीज़ें जो हैं हमारी हमारे लिए यहाँ पर जरूरी थी, जो हमें याद रख लेनी थी. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच आर्मी इज कोमेमोरेटिंग 2019 एज द ईयर ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन. यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो किन हैं, जो भी यहाँ पर बैटल में जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनके जो बच्चे रह जाते हैं उनको डेडिकेट किया गया है 2019 को. लेकिन किस आर्मी ने इसको डेडिकेट यहाँ पर किया है, ABCD ऑप्शन में से ये हमारे लिए जरूरी है जाना. और यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. यानी इंडियन आर्मी ने क्या बोला है, 2019 जो है उसको हम डेडिकेट करेंगे टू द किंग्स ऑफ किन. ओके, सो किन यहाँ पर जो है उसका मतलब क्या है, द चिल्ड्रन ऑफ द पीपल हु वर डाइड इन द बैटल. जो लोग बैटल में मारे गए थे उनके जो चिल्ड्रन थे उनके लिए ये पूरा ईयर डेडिकेट यहाँ पर किया गया है. सो यहाँ पर जो हमें बात पता होना चाहिए, हु इज़ द आर्मी चीफ. अगर आपसे पूछा जाएगा आर्मी चीफ कौन है तो आप बता देंगे बिपिन रावत इज द आर्मी चीफ. ओके, सो जनरल बिपिन रावत इज द आर्मी चीफ. अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज दैट इज जो अभी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना वो क्या है. अभी एक रिपोर्ट आया था, किसका रिपोर्ट आया था, सिप्री का रिपोर्ट आया था अबाउट द मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज. सो विच कंट्री इज द मोस्ट स्पेंडर ऑन मिलिट्री. मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंट्री स्पेंड करती है वो कौन सी है, US है. सेकंड पे क्या है, चाइना है. थर्ड इज एंड द नेक्स्ट इज इंडिया. यहाँ पर जो कंट्री टॉप मिलिट्री स्पेंडर है वो क्या है, US है. और इंडिया का अगर आपसे पोजिशन पूछा जाएगा सो इंडिया इज 4th हाइएस्ट मिलिट्री स्पेंडर. आपको जो इंडिया का रैंक यहाँ पर याद रखना है वो क्या याद रखना है, 4th याद रख लेना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो विच कंपनी हैज एक्वायर्ड ब्रिटिश टॉय रिटेलर्स हैमलीज 467.96 मिलियन पाउंड्स. आपको यहाँ बताना है जो ब्रिटिश टॉय रिटेलर्स जो है उसको कौन से इंडियन कंपनी ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है. ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलायंस. ओके, सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिलायंस ने किस कंपनी को एक्वायर कर लिया 67.96 मिलियन में, तो आप हैमलीज बता देंगे जो क्या है, ब्रिटिश टॉय रिटेलर है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ग्रुप सेल हैज बीन कैरिड आउट बाय INS कोलकाता एंड INS शक्ति विद विच कंट्रीज नेवल शिप्स. मैं आपको बताती हूँ, INS कोलकाता और INS शक्ति से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्या कर रही है, पहले वो कहाँ गई थी, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, जो चाइना में हुआ था वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इन्होंने. ओके, उसके बाद अभी यहाँ पर क्या हुआ है, उन्होंने एक ग्रुप सेल में पार्टिसिपेट किया है. आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो पूरा पार्टिसिपेशन रहा वो कौन सी कंट्रीज के नेवल शिप्स के साथ में हुआ था. सो ABCD ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज ऑल ऑफ दीज. यानी US, जापान और फिलीपींस जो है उनकी नेवल शिप जो है उसने भी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था. अब फिलीपींस जो है उसकी कैपिटल क्या है, मनीला है. एंड द करेंसी इज पीसो. सो समझ में आ गया होगा, फिलीपींस, मनीला एंड पीसो हमें यहां पर याद रख लेना था. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट रॉयल बंगाल टाइगर्स मे नॉट सर्वाइव क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, जो बंगाल टाइगर हैं वो क्या हो सकते हैं, मे बी सर्वाइव ना कर पाए क्लाइमेट चेंज की वजह से। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ए बी सी डी ऑप्शन में से हमारे यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज न्यूयॉर्क। आपको यूनाइटेड नेशन से जो सिटी याद रख लेनी है वो न्यूयॉर्क सिटी याद रखनी है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे सेक्रेटरी जनरल अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं, कहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। यही सारी चीज़ें जो थी हमारे लिए इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर देख लेते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बैंकिंग एब्रिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, NPCI। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, देखो हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात किया था, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे हम हर एक दिन कोई ना कोई एक टॉपिक जो है उसको कवर कर ले। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, NPCI है। इसमें पी का जो मतलब है वो क्या है, पेमेंट है, यानी NPCI क्या होता है, फुल स्क्रीन। यहाँ पर जो हमें याद रखना है चीज़ वो क्या है, NPCI। अब NPCI होता क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये है क्या NPCI, तो हमें पता चल गया, फुल फॉर्म तो पता चल गया, लेकिन अब ये है क्या चीज़। देखो हमारे इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। किस चीज़ के लिए, जो भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट होती हैं, यानी जो भी हमारे कैसे पेमेंट्स होती है, जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, आप अपने फ़ोन से बैठे बैठे जो डिजिटल पेमेंट्स कर पाते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, उसका जो कंट्रोलर है वो कौन है, यहाँ उसका जो कंट्रोल है वो कौन है, NPCI है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर, तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे, अगेन आपसे यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ NPCI, तो NPCI के चेयरमैन कौन है, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। स्लाइड यहाँ पर जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, पेमेंट। नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर इसको बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड, अब यहाँ से आपको जो पता होना चाहिए वो क्या है, NPCI जो है उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, यानी NPCI जो है वो कंट्रोल किस किस को करता है। अगेन हमें, मैं जो आपसे पूछ रही थी वो चेयरमैन के बारे में पूछा था, तो विश्व मोहन कौन है, चेयरमैन है, किसके चेयरमैन है, NPCI के चेयरमैन है, ये भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए था। अब यहाँ से देख सकते हो NACH नाच के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है जो हमारे चेक वगैरह जो होते हैं उनको क्लियर करवाता है। IMPS, देखो यहाँ पर जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है, लाइक CTS दिख रहा है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आपको इन सब का जो फुल फॉर्म है वो याद रख लेना है, बिल्कुल याद रख लो, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। भीम जो है उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके। सो भीम का भी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं सारे ही फुल फॉर्म हमारे लिए ज़रूरी हैं, आज की क्लास में ये याद रख लेना। नेक्स्ट स्लाइड, सो यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है, द फिफ्थ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम विच डे टू विच डे। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसको बताना है, आपको बताना है। देखो आज की क्लास में हमने किस के बारे में बात की है, NPCI के बारे में बात की है। आप क्या कर सकते हैं, NPCI के बारे में पूरा रिसर्च कर सकते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद में आपको जो भी NPCI से रिलेटेड पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगेन आपको जो भी 15 क्वेश्चन का आंसर है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको स्लाइट सा भी डाउट होता है, मैं आपके हर एक कमेंट यहाँ पर देखने वाली हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कोई मिस्टेक है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पक्का
का कवर करवाएंगे। सो आई होप कि आपको आज की क्लास में सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बस अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, चाहे आपका कोई एग्जामिनेशन अभी आए या ना आए, ठीक है। ये मत सोचना कि प्री क्लियर होगा उसके बाद मेंस का प्रिपरेशन करोगे, जस्ट कंटिन्यू प्रिपरेशन, ठीक है। डेली बेसिस पे अपना करंट अफेयर पढ़ते रहो। अगर आपने IGPI का भी फॉर्म फिल किया हुआ है तो भी ये सारे जो करंट अफेयर हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना। सो चलिए ख़त्म करते हैं फिर आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।